नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनोजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लवाड़ कस्बे में थाना पुलिस की सतर्कता और सख्ती से मिली राहत। लवाड़ कस्बे में थाना पुलिस की सतर्कता व सख्ती के चलते कस्बे में बीते 3 दिनों से एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला, जिसके चलते कस्बे वासियों के लिए यह खबर राहत भरी है। जिसके चलते अब लवाड़ कस्बे के प्रत्येक मोहल्ले व कॉलोनियों की गलियों को पूर्णतया सीज कर दिया है। मोहल्लों में कॉलोनी की गलियों को बैरिकेड लगाकर सील करने के बाद एक मोहल्ले के लोग भी दूसरे मोहल्ले व कॉलोनी में नहीं जा सकेंगे। लवाड़ थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह सतर्कता इसलिए बढ़ती जा रही है ताकि कस्बे में कोरोना संक्रमण को पूर्णतया रोका जा सके। पूर्व में लवाड़ कस्बे को पूर्णतया सीज करने के बाद पिछले 3 दिन से क्षेत्र में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। थाना प्रभारी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी व कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर में डीजल और पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर कस्बे के बाहर होकर पहुंचना होगा। वहीं थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 दिन में करीब 500 चालान काट कर जुर्माना वसूला। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में अब बिना मास्क मिलने पर 1000 का चालान काटा जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर दबान कस्बे में काफ़ी सख्ती की गई है। पिछले 4 दिनों में करीब 250 मास्क के चालान, लगभग 40 मोटरसाइकिलें, फोर व्हीलर वगैरह जो है जब्त किए गए हैं। उसके बावजूद भी लोगों का जो है आवागमन बहुत ज़्यादा जारी है और मेरे तो लोगों से अपील है कि किसी भी प्रकार का टू व्हीलर फोर व्हीलर लेकर कस्बे में नहीं आवे ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। तो ये नियम सभी के लिए लागू होगा बाइकों के, भाई कोई भी कस्बे के अंदर? हाँ, कोई भी कस्बे में नहीं लेके आएगा। हमारे जो है कस्बे को पूरे को सील किया हुआ है और डिवाइडर लगाए हुए हैं, बैरिकेडिंग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है बैरिकेडिंग साइड में से छोटे मोटे गलियों में से निकल के कस्बे में आ जाते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो पाती। कई जिस प्रकार कई जगह बैरिकेड्स को हटा रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? बैरिकेडिंग अगर कोई हमारे सामने उठाता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, लेकिन लोग रात्रि के वक्त जो है ना बैरिकेडिंग खोल देते हैं। कि पूरे थाना क्षेत्र के अंदर ये बैरिकेडिंग? हाँ, मेरे थाना क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में बैरिकेडिंग की गई है। और कस्बा लबान में तो पूर्णतया कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि बैरिकेडिंग से बंद नहीं किया गया हो। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।